हेलो, आज रिलीज हुई है फिल्म फाइटर, जिसमें आपको दिखेंगे ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर के साथ बहुत सारे एक्टर्स, और इसे डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। सुरक्षा बलों पर एक हमला होता है। इस हमले का बदला लेने की जिम्मेदारी दी जाती है इंडियन एयरफोर्स की एक यूनिट को। अब वो ये बदला कैसे लेते हैं, ये तो फिल्म की कहानी है। साथ ही एक फाइटर पायलट की जिंदगी कैसी होती है, इसकी भी थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिल जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल रॉय ने इस फिल्म को दी है 3.5 स्टार्स, और वो लिखते हैं कि जानी पहचानी सी कहानी है, जिसमें कि सॉन्ग्स, बैक स्टोरीज और जो रोमांस है ना, वो फिल्म को आगे नहीं ले जाता बल्कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। बाकी ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अपनी टॉप फॉर्म में दिखे हैं, और दोनों के इमोशनल सीन्स जो हैं उनमें एक्टिंग उनकी काफ़ी अच्छी दिखी है। और सेकेंड हाफ में कहानी बहुत स्लो हो जाती है, पर उसके बाद जब क्लाइमेक्स आता है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आप वहां से उठने वाले ही नहीं है भाई साहब, इतना इनग्रॉस हो जाते हैं। और अगर आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं तो आपको इस फिल्म का किलर एरियल कॉम्बैट सीक्वेंस काफ़ी पसंद आने वाला है। एनडीटीवी के नरेंद्र सैनी ने इस फिल्म को दिया 2.5 स्टार्स, और वो कहते हैं कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अपने विजुअल्स और एक्शन से इस फिल्म को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। हालांकि कहानी कमजोर है और कुछ हिस्सों में काफी खिंची खिंची लगती है, लेकिन ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अपने किरदारों में काफी जचते हैं। करण सिंह ग्रोवर और अनिल कपूर ने भी ठीक ठाक काम किया है, और देशभक्ति की फिल्मों के शौकीनों के लिए ये एक परफेक्ट वॉच है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को दी है 2.5 स्टार्स, और वो लिखती है कि यार एक चीज समझ नहीं आती, बार बार बॉलीवुड एक ही दुश्मन को क्यों चुनता है, क्या नया दुश्मन ढूंढना इतना मुश्किल है। शुभ्रा कहती है कि दर्शकों का तो पता नहीं, पर वो बोर हो चुकी हैं सेम टाइप के विलन देख देख कर, और फिल्म में एक पॉइंट के बाद सब कुछ खिंचा खिंचा सा लगता है। दैनिक जागरण की स्मिता श्रीवास्तव ने इस फिल्म को दी है 3 स्टार्स, और वो कहती है कि ये फिल्म जो है वो पठान से बेटर है। शाहरुख के फैंस सॉरी। बाकी फिल्म में जो विलन है अजर, उनको बातों में जितना खूंखार दिखाया गया ना, जब वो ऑन स्क्रीन आते हैं तो इतने खूंखार लगते नहीं है। फिल्म में ऋतिक रोशन अक्का पैटी भैया ने भैया कमाल का काम किया है। चाहे वो देशभक्ति का जज्बा हो या फिर रोमांस हो या फिर एक्शन हो, ऋतिक रोशन को भरपूर मौका मिला है ये सब दिखाने का। हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशंस कैसी होती हैं, फाइटर प्लेन्स की हवा में कलाबाजियां और दुश्मन से तकरार, ये सब देख के फिल्म में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कहना है स्मिता श्रीवास्तव का। तो ये थी फिल्म फाइटर के बारे में समीक्षकों की राय। और जाते जाते बॉलीवुड शायरी मेरे जनाब, फिल्म फाइटर में फाइटर प्लेन्स करते हैं कलाबाजी, फिल्म फाइटर में फाइटर प्लेन्स करते हैं कलाबाजी। मियां राजी बीवी राजी, क्या करेगा काजी, तिकड़मबाजी तिकड़मबाजी तिकड़मबाजी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये घटिया शायरी और किशोर दा का ये गाना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जाने से पहले बीबीसी हिंदी का फेसबुक पन्ना लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एक्स पर हम हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।